मैंने ली है जी, बहुत बढ़िया कामयाब हुई। मेरे तकलीफ थी गैस्ट्रिक की, और गैस्ट्रिक के संबंध में मैं ले गया था, और बिल्कुल गैस्ट्रिक लेके गई थी। दो बार तो आराम हो गया था, मैं जाने आराम हो गया था। क्या प्रॉब्लम थी आपको? 70 जाली हो गई। क्या बीमारी है? गोड़ा में दर्द, सारी देह में दर्द है, सारी देह में रेल मारे। तो दवाई पानी कितने लिया करो? ले ले अपना पता पता कि एक दिन कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो जाहिर सी बात है, पैसा का आर्थिक जीवन जीने के लिए पैसा तो जरूरी है ही, लेकिन जितना कमाते हैं उसमें से 5-10% हमको कुछ डोनेट भी करना चाहिए। आती है कि पढ़ना चाहता है, इच्छा भी है उसकी, लेकिन किताबें बहुत महंगी होती हैं, तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हमने उसके लिए एक प्लेस निर्धारित किया और नया नाम दिया बुक बैंक, और उस बुक बैंक की हमने शुरुआत की यहाँ पर। और वो 2 दिन के लिए, शनिवार रविवार के लिए हमारा बुक बैंक। जिनको ये लगता है कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर है और किसी भी ऐसी असाध्य या बीमारी से ग्रस्त है, जिनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है, तो PDM हॉस्पिटल के अंदर उसका निःशुल्क जो है इलाज और दवाइयाँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं लोहारू PDM हॉस्पिटल के अंदर, PDM पतासी देवी मेमोरियल होम्योपैथिक का जो मेडिकल है वहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप का एक कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर लोग पहुँचे हुए हैं अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। तो लोगों से जानेंगे कि उन्होंने पहले कभी होम्योपैथी का यूज किया है या नहीं किया है। 3 प्रकार की मेडिसिन आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं और होम्योपैथी होती हैं। होम्योपैथी का यहाँ पर जो डॉक्टर रितु चौधरी हैं वो स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, वो जयपुर के अंदर बैठती हैं, लेकिन लोहारू के अंदर अपनी सेवाएं देने के लिए हर संडे यहां पे आती हैं और लोगों का चेकअप करती हैं। लेकिन आज उन्होंने फ्री हेल्थ चेकअप जो है वो लगाया हुआ है, तो लोगों से जानेंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, और जो इस यहां पे मैनेजिंग हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइम से पहले उन्होंने PDM हॉस्पिटल की नींव रखी थी और कितने लोगों को अभी तक ट्रीट कर चुके हैं। और कोरोना टाइम के अंदर भी इन्होंने एक स्लोगन ही दिया था कि एक प्रकार से कि कोरोना ना हो, इन्होंने इम्यूनिटी बिस्टर जो है वो बांटी थी लोगों को प्रत्येक फ्री के अंदर, और कोरोना टाइम के अंदर लोगों का स्पेशली ध्यान रखा था। तो अभी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं और दवाइयाँ जो उन्होंने ली हैं, यूज़ की हैं, या होम्योपैथी के बारे में पहली बार सुना है। अलग अलग जगह से जो है लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और मैं एक बार थोड़ी सी भीड़ जो है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लोग भी पहुँचे हुए हैं और वहाँ पहुँचे हुए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, कहाँ से बताओ जी? लोहारू से। अच्छा, आज इस कैंप के अंदर आप पहुंचे हुए हैं, तो किस माध्यम से आपको पता चला इस कैंप का? ये प्रचार। अच्छा, प्रचार हुआ था। तो किस प्रकार की आपको समस्या है और कहां कहां से पहले अपनी दवाइयाँ ली हैं? मेरे शुगर है और STD गैस की तकलीफ है। तो पहले आपने अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग किया होगा? अंग्रेजी दवाई। कुछ आपको सुधार लगा उनके अंदर? हुआ कुछ तो फर्क पड़ा। तो यहाँ आज आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने के लिए? होम्योपैथी की आज से 20 साल पहले लेता था, बहुत पहले लेता। तो उनसे कुछ आपको फर्क महसूस होता था? बहुत फर्क महसूस होता। तो दोबारा आपको होम्योपैथी की याद आई कि भी लेनी चाहिए? आप लई है जी, बहुत बढ़िया कामयाब हुई। मेरे तकलीफ थी गैस्ट्रिक की, और गैस्ट्रिक के संबंध में मैं ले गया था, और बिल्कुल गैस्ट्रिक नहीं रही। फिर हमारे गाँव के कोई मैंने बताया कि इस प्रकार से होम्योपैथी का हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया असर करती हैं दवाइयाँ। तो उनकी कोई शादी थी, और शादी में वो मतलब सारे बीमार हो गए, कोरोना वाला मामला चल गया था, कम आदमियों से उनने मतलब शादी की थी। अच्छा अच्छा। तो वो कैसे चपेट में आ गए, सारे चपेट में आ गए, कोरोना के चपेट में आ गए। हाँ जी। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ उनने दवाई ली तो वो सारे बिल्कुल ठीक हो गए। फिर इम्यूनिटी बूस्टर जो बांटा गया था इनके द्वारा? हाँ जी हाँ जी, इनके द्वारा जो दवाइयाँ दी थी ना, उनसे वो ठीक हुए। एक लड़के के, हमारे गाँव का ही लड़का था। कौन से गांव से हैं आप? मैं फरटिया से। फरटिया से। उसके पैर में भारी तकलीफ रहती थी एलोपैथी की, उसने काफ़ी दिन बता रहा था, मैं 4-5 साल से बड़ा दुख पा रहा हूँ। 500 mg की मैंने गोलियाँ ले ली। अच्छा। एक बार तो आराम हो जाता है, फिर बाद में वैसे ही हाई डोज आ गया, फिर बाद में। हाँ, अब मेरे मैंने होम्योपैथिक से अपने लोहारू में खुल दी है, उसने बताया एक दुकान है, वो हॉस्पिटल खुल गया है। कौन सा? और बढ़िया डॉक्टर है वहाँ पर। तो ये बताने के बाद में फिर उसने मतलब, तेरा क्या हुआ? मैं बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैं तो ऐसे मतलब कईयों से सुनया है। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया, मैं खुद भी। तो यही PDM में ही क्या? हाँ, PDM वाले। तो आज आप इस कैंप में आए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आए भी हम इसीलिए हैं क्योंकि वही बात है, व्यक्ति दोबारा से वही व्यक्ति पहुँचता है जिनको आराम मिलता है, क्योंकि डॉक्टरों की एड भी व्यक्ति करता है, और मतलब उस चीज को मारता हुई है। सभी ने यही बताया
कि मेरे भी आराम होया, मेरे भी आराम होया। दोबारू से आज पीडीएम होम्योपैथिक जो हॉस्पिटल है जिसके अंदर फ्री हेल्थ चेकअप है वहाँ पे आए हुए हो आप। हाँ। तो यहाँ पहले भी आए हो क्या? पहले आई थी और दवाई लेके गई थी, दो बार तो आराम हो गया था, मैं जाने आराम हो गया था। क्या प्रॉब्लम थी? थायराइड है। अच्छा, मैंने कई जगह से दवाई खा ली थी, सतनाली जयपुर से डॉक्टर आते हैं उसके पास भी, लुड्डी के पास भी, जैन हॉस्पिटल है उसके पास भी, और एक यहीं अपने लोहारों में आते हो कई जगह। तो यहाँ आपका रेगुलर नहीं चलाया फिर आपने? रेगुलर नहीं चलाया मैंने, तो फिर दो बार दोबारा से आपको मतलब लगा कि भाई हाँ, जाना फिर दर्द बढ़ने लग गया, फिर मैं दवाई दोबारा लेने दोबारा से तीसरी बार। तो मेरा सुरेश कुमार। कहाँ से हैं आप? गांव गोठड़ा जी। गोठड़ा से आज पहुंचे हुए हो आप यहाँ? हाँ जी। तो पहली बार आए हैं या इससे पहले भी कभी आप? नहीं, दो महीना हो गया, दो तीन महीना हो गया। दो तीन महीने से लगातार चल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरा एलर्जी थी, छींक आया कर दी, छाती जाम हो जाया कर दी। अच्छा अच्छा। और छींक आने शुरू हो जाया कर दी, आँख लाल हो जाया कर दी, पानी पड़ी जाया कर दा। तो पहले भी दवाइयाँ कहीं चल रही हैं आपने? बहुत। कहाँ कहाँ से? कई जगह से जी। कोई भी कई जगह से? एक तो यहाँ पर डूडी हॉस्पिटल से और सरकारी हॉस्पिटल से भी ली है जी। अच्छा, कई बाहर हिसार से लिया है। अच्छा, हिसार से भी दवाई? हाँ। कोई फर्क आपको महसूस हुआ नहीं? राजस्थान में सुल्ताना से। कितने रुपए खर्च कर चुके होंगे आप? बहुत ज़्यादा जी। और यहाँ आप दो महीने के अंदर कितना फर्क महसूस कर रहा आपको? मतलब कई बार क्या होता है, जैसे 100% तो हम कह नहीं सकते। तो अंग्रेजी गोली तो लेने की जरूरत पड़ रही जी। अंग्रेजी दवाइयाँ आपने छोड़ ही दी हैं? हाँ, यहाँ लेने के बाद। हाँ। तो यहाँ पे क्या परहेज भी होते हैं कुछ दवाइयों के, जैसे आप लेते हैं तो? जब मैंने तो कोई परहेज को नहीं किया। अच्छा, बिना परहेज के ही आपने दवाइयाँ ली हैं? हाँ जी। और आप ठीक भी हुए हैं? बिल्कुल। अब आपको कितना महसूस हो रहा है, कितना फर्क महसूस हो रहा है? मेरा 80% जी। किस प्रकार की एलर्जी होती थी आपको, जैसे कोई फांक वगैरह वगैरह में काम करते? जैसे गर्दन चल जाया करता थोड़ा बहुत, घर पर झाड़ू निकाले हैं तो थोड़े बहुत दौड़ उठा है, उस मौके मेरे को छींक आनी शुरू हो जाया कर दिया। उससे पूरा हाल हो जाता है? हाँ। फिर सारी रात छाती जाम हो जाएगा, सांस आने में दिक्कत मतलब हो जाएगी। झाड़ू तो अब भी निकलती हैं घर पे? हाँ। अब किसी प्रकार की कोई परेशानी को नहीं? मतलब खेतों के अंदर गेहूं वगैरह वगैरह निकालते हैं तब भी? ईब तो सारा काम करा है जी, खेती बाड़ी का काम करा है। दो महीने के अंदर आप लगभग टनाटन है? हाँ। तो क्या कुछ खर्चा लगता है इसका? कुछ यहाँ पर 15 दिन की दवाई दी थी मेरे को सरू चोट में, 150 रुपये की। अच्छा, 15 दिन की? मात्र 150 रुपये की? मात्र 150 रुपये की। और मतलब महीने के 300 रुपये खर्चा है? हाँ, महीने 350-350 रुपया खर्चा है। 300 रुपये का खर्चा है और दो महीने आप मतलब 600,000 रुपये खर्च किए? हाँ जी। बड़ा बिल्कुल टनाटन। हाँ। मतलब और इतना तो 7 दिन में मैं, 8.5 महीना का लगा इतना 7 दिन वो तो एक दिन में डॉक्टर के पास आते हैं, 300 रुपये तो नॉर्मल है। हाँ जी। वो भी देते हैं 4 से 5 दिन की दवाइयाँ चेक करने के लिए कि आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। वो तो नाट गए थे, अंग्रेजी दवाई लिया करता, वो तो बोले 12 मास खानी पड़ेगी दवाई, मतलब पूरी उम्र ही खानी पड़ेगी। हाँ, पूरी उम्र बोले इस तरह ठीक नहीं हुआ बोले। तो अंग्रेजी दवाई होती ही ऐसी हैं जिसे फर्क तो कुछ महसूस होता है लेकिन वो मरते दम तक ये नहीं होता कि जिंदगी भर जो है वो। हाँ, उसका कोई पक्का इलाज नहीं था जी, वो बोले जिस टाइम पर हुआ है उस मौके सुई लगवाओ और गोली खाने पर, जब हुआ जब गोली ले लो। हाँ। और ना हो इतने रेंज हो। हाँ। लेकिन परमानेंट इलाज का कोई वो नहीं। हाँ, कोई इलाज नहीं आपको महसूस हो रहा है? हाँ जी। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंदर हम थोड़ी सी भीड़ भी लगी हुई है, माताएं भी हैं, लोग भी हैं, और एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कॉलम बनाया गया है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आने वाले का, और कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ताई जी हमारे साथ में। ताई जी राम राम। राम राम। ये प्रॉब्लम है ताई जी? कड़ियां प्रॉब्लम से, एक पर तो कौन चले था कड़ियां बैठे। कितने साल आता है? ई वो ऐसे थोड़ा दिन तो। दवाई पानी ली होगी आपने? दवाई पानी डॉक्टर की मंदरगढ़ थेरेपी करवाई थी। अच्छा अच्छा। तो पूरे को आपने किसने बताया कैंप के बारे में? ये बोलन ला रहे। अच्छा, इसकी सुन के आया हो? तो नंबर आ लियो आपको? ना। कितना नंबर है? 46। अच्छा, ई भी आए हो? ई भी आए हो। कौन सा काम आया? पूरे लोहारू से। ले ले अपना पता डॉक्टर को रही और पकड़ ले। कितना पूछे उरे कण बताई जे पूछ गया उरे
जो जयपुर में DCC ध्रुव कोचिंग क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, जयपुर से कब पधारे सर? बस कैंप के विषय में एक दो दिन से आए, बातचीत की हमने, अलग अलग व्यू लोगों के रहे, कुछ ने लोगों ने अभी पहली बार पहुंचे हुए हैं और कई लोगों ने ऐसे भी मिले जिन्होंने पहले होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग किया भी, लेकिन बीच में कई बार क्या होता है छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। तो आज कैंप के बारे में क्या कहना है? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है PDM होम्योपैथी हॉस्पिटल का, लोहारू शहर में अभी तक होम्योपैथी दवाइयों के बारे में कोई जानता भी नहीं है, अभी इतना जागरूक लोग नहीं है। तो हमने हमारी जो PDM होम्योपैथी हमारे अपने दादी जी के नाम पे रखा था और मेरे फादर साहब की कर्म भूमि रही है ये लोहारू क्षेत्र। मेरे पिताजी ने यहाँ 32 साल नौकरी की है, ईश्वर सिंह पूनिया साइंस मास्टर हैं गिगनाव स्कूल से। तो फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि एक दिन कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो जाहिर सी बात है, पैसा का आर्थिक जीवन जीने के लिए पैसा तो ज़रूरी है ही, लेकिन जितना कमाते हैं उसमें से 5-10% हमको कुछ डोनेट भी करना चाहिए समाज के लिए। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए हमने PDM ट्रस्ट की तरफ से ये हमने एक छोटा सा कैंप लगाया था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पांस भी किया यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी लगता रहे ऐसा कैंप। और बाकी आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में प्रयास, एक कोशिश सामाजिक संगठन जो चला रहे हैं, पवन सर मौजूद हैं, अभी इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए अनाउंसमेंट भी की है और एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारण वजह से किताबें नहीं खरीद पाते हैं, अपनी आर्थिक वजह कमज़ोर होने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने एक बुक बैंक बनाया हुआ है, उसके बारे में एक छोटी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले सर, जैसे आपने एक प्रयास एक कोशिश नाम से ही मतलब बन रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं और कोशिश भी लगी हुई आपकी कि समाज के अंदर एक नया संदेश देने की, तो क्या कैसे ठाना सर आपने इसके बारे में? सर कई बार क्या होता है कि जो भी चीज़ें नई आती हैं निकल कर वो समाज से निकल कर आती हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में करीबन 20 साल तक हमने विभिन्न संस्थाओं में काम किया, उसके बाद में कार्यप्रणाली को समझा और फिर 2016 के अंदर प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन का समान विचारधारा वाले साथियों के साथ में मिलकर के गठन किया। और प्रयास एक कोशिश से वैसे तो 3 दर्जन ऐसी बिंदु हैं जिन पर कार्य कर रही है, लेकिन मुख्य बिंदु वो हैं जिन पर कार्य करिए कि मुख्य रूप से जैसे कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह, हम उन बच्चों को मेरिट जो आज लाते हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको हम एक मंच देते हैं। पूरा हरियाणा का एकमात्र प्रोग्राम है जो केवल सरकारी स्कूल के बच्चों को समर्पित है, उन बच्चों को हम मंच देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और इसके अलावा एक सुपर 100 स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 11वीं 12वीं के लिए नीट और IIT की तैयारी करवाई जाती है। तो ये इसके लिए सुपर 100 की तैयारी जो है वो हम करवाते हैं, उससे पहले जो एग्ज़ाम होता है उसकी वो तैयारी हमारी संस्था के जो टीम है उसके द्वारा करवाई जाती है। और ऑफलाइन होती है क्लासेज आपकी? ये ऑफलाइन क्लासेज बिल्कुल। और बड़ी खुशी की बात है कि लोहारू के 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सुपर 100 में सेलेक्ट हुए हैं हमारी कोचिंग की बदौलत से। और इसके अलावा जैसे कि बुक बैंक का एक प्रोजेक्ट था जो हमने शुरू किया था कि हिंदुस्तान में किताबें जो हम रद्दी के भाव भेज देते हैं और सरस्वती को हम विद्या मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिस दिन आती है उस दिन तो हम उसको बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसको ये माना कि किताबें, कई बार क्या होता है कि कई बार विद्यार्थी बड़ी दिक्कत आती है कि पढ़ना चाहता है, इच्छा भी है उसकी, लेकिन किताबें बहुत महंगी होती हैं तो उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हमने उसके लिए एक प्लेस निर्धारित किया और नया नाम दिया बुक बैंक, और उस बुक बैंक की हमने शुरुआत की यहाँ पर। और वो 2 दिन के लिए शनिवार रविवार के लिए हमारा बुक बैंक का प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप किसी भी कक्षा की किताबें जो हैं आपके घरों में आपने पढ़ ली हैं आप उनको डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और जो किताबें वहाँ पर हमारे पास रखी हुई हैं उनको कोई भी विद्यार्थी जो है वो निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, जिनका कोई रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं कि कौन विद्यार्थी लेकर गया है। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट था जो हमारा करीबन 1.25 साल से हमारा चल रहा है। और इसके अलावा ये 7 जिलों के अंदर शुरू हुआ है ये कॉन्सेप्ट बुक बैंक का निःशुल्क। तो इसको हम तो आज जो कैंप लगाया उसके अंदर भी आपका सहयोग बहुत अच्छे तरीके से है, तो कैंप के बारे में क्या बताना चाहिए? कैंप आज जो निःशुल्क कैंप लगाया गया है ये पुनिया फैमिली गिगनाव की तरफ से लगाया गया है। और मैं इस बात को बड़े हर्ष के साथ कहूँगा कि लास्ट ईयर जब कोरोना काल था और जब पीक पर था तो उस टाइम भी कोरोना फैमिली जो पूनिया फैमिली है इन्होंने कोरोना के अंदर जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उनके लिए जो है निःशुल्क दवाइयाँ जो है वितरित की थी और घर घर जाकर के वितरित की थी। अब जो कई दिनों से पहले कैंप गिगड़ाव में चल रहा था उसके बाद में लोहारू के अंदर जो है ये कैंप पहला लगाया गया निःशुल्क,
इसमें आप जो है होम्योपैथी की दवाइयाँ जो निःशुल्क प्राप्त करेंगे, निःशुल्क परामर्श जो आप यहाँ ले सकते हैं। इसके अलावा आगे भी ऐसा कोई, हम अपील करते हैं कि ऐसा कोई आमजन है जिनको ये लगता है कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर है और किसी भी ऐसी असाध्य या बीमारी से ग्रस्त है जिनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है, तो पीडीएम हॉस्पिटल के अंदर उसका निःशुल्क जो है इलाज और दवाइयाँ जो निःशुल्क होंगी पूरी तरह से। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इस दुनिया के अंदर कामयाब होना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के साथ साथ में स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ों का बेड़ा जो है वो प्रयास एक कोशिश के साथ में पीडीएम होम्योपैथी ने भी उठा लिया है, दोनों मिलकर के जब एक नया आयाम जो है वो स्थापित करने जा रहे हैं। बुक बैंक जो है वो शनिवार और रविवार को जो दोनों दिन जो होते हैं वो बुक बैंक, अगर आपके पास कोई बुक है तो वो दे करके जा सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले भी जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई व्यक्ति है और अगर किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है जिसके लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, होम्योपैथिक दवाइयों से अगर वो व्यक्ति ठीक होता है तो यहाँ पे जो है एक काउंटर बनाया जाएगा, निःशुल्क काउंटर, जिसके ऊपर उसकी फीस जो है वो चार्जेबल भी नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रयास से कोशिश सामाजिक संगठन का भी और पीडीएम होम्योपैथी का भी, जिन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि समाज के अंदर हमें एक नई आयाम जो है वो स्थापित करना है और लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसे हमारी कोशिश बनी रहेगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।